50,000 रुपये की नैया लुट गई। अरे दादा जैसो ओटीपी आओ वैसे ही कांड हो गो। 420 420। अरे दादा वो हमारे 50,000 रुपया पेल गो। अरे अरे लंका लग गई दादा, लंका लग गई। अरे क्या ले आओ, कभी आओ। एक्सक्यूज मी सर, अभी आप रो रहे थे सर। कौन आओ तू, कौन आओ? मौसी की याद आ रही। मौसी सर, ये वही मौसी है ना जिसने आपको 50,000 का चूना लगाया है। तुमको कैसे पता? एक्चुअली सर, मैं अभी आते आते आप ही की बातें सुन रहा था। एक हफ्ते पहले मेरी भी मौसी का फोन आया था, उसने मुझे भी 25,000 का चूना लगाया सर। सुन, हम दो मन को चूना लग गो, जब आज थानी की चार दीवारी के बाहर ना जाओ चाहिए। उंगलियां रख, उंगलियां रख, अब वहीं रख। आपको से मुंह में गोरी मैम हाय, हमार मतलब गोरी मैम आप? अकेली गोरी मैम नहीं, गोरी मैम के साथ हम भी आए भयो हो। तुम काय आए हो? क्योंकि ये विक्टिम है, इनकी वाइफ मिसेस अंगूरी तिवारी के साथ फ्रॉड हो गया है। इतने भी फिर सॉरी, हमारा मतलब है कौन ने कर दो फ्रॉड? अरे कहा बताए दरोगा जी, हमारी बीवी को किसने ऑनलाइन बेवकूफ बना के उसके अकाउंट से 5,00,000 रुपए निकाल लिए। अरे दादा। हापुर सिंह जी, आप ये दादा और नाना कहना बंद कीजिए, सबसे पहले इनकी रिपोर्ट लिखिए। आओ आओ, लिख रही। अरे जल्दी लिखिए ना, ऐसा ना हो कि आपके लिखने के चक्कर में कहीं और ज्यादा हाथ साफ कर जाए। अरे तुम ढेर जाओ ना, तना के तो लिख रहे हैं भाई, तुमने आदेश दो है, आदेश को पालन कर रहे, तुम तना सबर करो दादा। अगर आपके साथ ऐसा धोखा हुआ होता ना दरोगा जी, तो आपको पता चलता। तुम दुखती रग पे हाथ ना धरो दादा जी। क्या कहा आपने? नहीं, हम जो कह रहे हैं कि हम जो 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 फ्रॉड बहू है ना, बाकी खिलाफ बिल्कुल आपसे बादू कर रहे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हैं? यस सर। चाय मंगवाएं आप? आप रिपोर्ट लिखिए। भाभी जी, क्या हुआ भरभूति जी, इतने परेशान काहे लग रहे हैं? वैसे आई एम फीलिंग गिल्टी। उल्टी आ रहा है तो वहां जाके खींचे नहीं आ का कर रहे हैं? नहीं, मुझे बड़ा आत्मग्लानी महसूस हो रही है, मुझे आई एम फीलिंग गिल्टी भाभी जी। ओ हदिया काहे भाभी जी, आई वांट टू कन्फेस। आप का कंफ्यूज करना चाहते हैं? अरे अभी तो समझ नहीं आ रही भाभी जी, मैं कह रहा हूँ कन्फेस, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल की बात। ऐसे ही पकड़े हैं, बोलिए ना भाभी जी। मैं ना प्रायश्चित करना चाहता हूँ, जिस बंदे ने आपको बैंक ऑफ शिकारपुर से फोन किया था और आपसे 5,00,000 रुपए ऐंठे थे, वो कोई और नहीं था, वो एक्चुअली मैं था। आदमी आप थे? अभी यह फ्रॉड कहना चाह रही हैं शायद। सही पकड़े हैं, वो आप थे? जी। अब भरभूति के बच्चे, हम आपको कितना शरीफ समझते थे, लेकिन आप तो एक नंबर के ठग और फिराड़ निकले। अपनी पड़ोसन को ही लूट लिए, डायन भी एक ठो, डायन भी दो घर छोड़कर बाहर करती है। मेरे मुंह से आपके लिए इतना अजीबोगरीब गाली निकल रहा है ना कि कहाँ बताए आपको। आपको 10 तारे और पानी खत्म हो जाए, आपको 10 तारे और जंगल ना मिले। आपके सामने आपका फेवरेट खाना रखा हो और ऊपर से कौवा उड़ते हुए स्कूप कर जाए। ऐसे ही पकड़े हैं, आपके बहुत पुराने फ्रेंड हार्ट आपसे मिलने आए और आपसे चिपक के मिले और उठे अनीता जी आपको देख लें। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब, अंगूरी जी का घर यही है क्या?
कमबख्तों ने ना अपना पूरा जाल फैला दिया है। अरे किसने जाल फैला दिया यार? अरे यही फ्रॉडी है जो फोन करके लोगों को लूट रहे हैं। कोई पकड़ा गया क्या? पकड़ा ही तो नहीं गया, लेकिन बकरे की अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी। एक बार पकड़े जाए ना, जूतों से पिटाई करूंगी उनकी। Don't use such language, यार। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? क्यों ना करूं? उन लोगों ने बिचारी सीधी साधी अंगूरी जी को पूरे 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। Oh, so sad. तुम्हारे बड़े ठंडे रिएक्शन आ रहे हैं। तो क्या करूं यार, बंदूक लेके ढूंढूं लोगों को? अरे नहीं, लेकिन प्रॉपरली रिएक्ट तो करो यार। रिएक्ट भी तुम्हारी मर्जी से करूं यार। तुम्हारी जो मर्जी हो ना वो करो, लेकिन कल मैं ऐसा काम करने जा रही हूँ जिससे जितने भी ये फ्रॉडी है ना जो फोन करके लोगों को लूट रहे हैं, सब के सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। क्या बेचारों के पीछे हाथ धो के पड़ी हो यार? एक्सक्यूज मी, बेचारे? एक मिनट, वो लोग क्या तुम्हारे साथ ये लूट की रकम शेयर कर रहे हैं जो उन्हें बेचारा और मासूम कह रहे हो? वो लूट की रकम मेरे साथ क्यों शेयर करेंगे यार? मेरा क्या लेना देना है उन लोगों से? जब लेना देना नहीं है तो उनको बेचारा और मासूम क्यों बोल रहे हो? यार हो सकता है क्योंकि मजबूरी के तहत कर रहे हो। हर आदमी मजबूरी के तहत बहुत कुछ करता है। हो सकता है मतलब शौक से कर रहे हो, ये नेवर नो। तुम ना अपने विचार अपने पास रखो। लेट मी हैंडल दोस क्रिमिनल्स। कल मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगी और उन फ्रॉडियों की बैंड बजा दूंगी, तुम देखना बस। हेलो। हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एम्स्टर्डम। सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर साल बहादुर और जाबाज पुलिस ऑफिसर्स मतलब पुलिस कमिश्नर्स को एक अवार्ड देती है। हाँ? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एम्स्टर्डम ब्रेवली पुलिस अवार्ड, ABPA। मिस्टर रेशम पाल सिंह जी, इस अवार्ड के लिए इस साल हमने आपको चुना है। आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। सुनती हो, मुझे एम्स्टर्डम में अवार्ड दिया जा रहा है, मिठाई बटवाओ। बोलो मिस्टर रेशम पाल सिंह जी, मिठाई बाद में मंगवाइएगा, पहले आप अपना अकाउंट चेक कीजिए कि उसमें 25,000 पहुंच गए हैं कि नहीं। एक मिनट रुकेंगे आप, एक सेकंड। भाई साहब मिल गए 25,000 रुपए, मिल गए मुझे, आ गए। सर इन रुपयों से आप अपने लिए सूट बूट खरीद लीजिएगा, ये हमारी तरफ से एक सप्रेम भेंट है, मतलब गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। भाई साहब एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप बोल तो रहे हैं एम्स्टर्डम से, लेकिन आपकी जो हिंदी है वो बिल्कुल भारतीयों जैसी है। सर हम भारतीय हैं। गुड 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 गुड। सर आप हॉलैंड आएंगे तो भाभी जी के लिए शॉपिंग तो करेंगे ही। ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल करेंगे, भर भर के करेंगे। तो सर आपसे एक बात करनी थी कि आपका जो पैसा है, आपकी जो देश का पैसा है, वो हमारी कंट्री में नहीं चलता है, यहाँ पर यूरो चलता है, यूरो। अगर आप अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करेंगे तो वो पैसा हमें एडवांस में भेज दीजिए, वो हम यूरो में कन्वर्ट कर देंगे। श्योर, व्हाई नॉट। कम से कम 2.5 लाख रुपए डालना, मैं हॉलैंड से भर भर के शॉपिंग करूंगी। आपने अवार्ड जो जीता है। 2.5 लाख? ओके ओके, अरे तुमसे ज्यादा प्यारा और कौन है। ओके भाई साहब, मैं आपको अभी के अभी पैसा ट्रांसफर करता हूँ ऑनलाइन। भाई साहब पैसे यहाँ से गए, मिले आपको। थैंक यू सर। सर आपकी एक साली भी है ना? साली है। तो जाहिर है कि आप उनके लिए भी शॉपिंग करेंगे। क्यों नहीं, तेरी। तो ऐसा करिए सर, आप 2.5 लाख रुपए उनके नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए मैं आपको और भेज रहा हूँ ऑनलाइन अभी के अभी। भाई साहब 2.5 लाख रुपए मैंने और भेज दिए, मिले आपको। सॉरी सर। थैंक यू सर, रकम पहुंच गई है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओ कमबख्त को हमरा दिल से बददुआ है कि वो भरा बस में जा रहा और उसको जुलाब लग जाए, कमीना। भाभी जी, I'm really sorry, मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा।
भरभूति जी जी, जी 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 भाभी जी जी देखिए ना, हमको एक ठो कमीना कुत्ता लीचड़ आदमी हमको लूट लिया। क्या क्या लूट लिया? वो हमसे 5 लाख रुपए लूट लिया हमको बेवकूफ बनाकर। हम दिल से बद्दुआ देते हैं कि उसको खुजली हो जाए और उसका हाथ ही ना ही चले। हम बद्दुआ देते हैं कि जिस पड़ोसन के साथ उसका चक्कर चल रहा हो वो पड़ोसन का कोनो और के साथ तगड़ा चक्कर हो। और भाभी जी कैसी हैं आप? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आज। अरे टूरे हाय दिया, एक्सक्यूज मी, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। हेलो हेलो, आप जानती हैं इसको कौन है? हुज़ हुज़ दिस गाय? जानते कहां है, हमरा उसके साथ तगड़ा चक्कर चल रहा है। नहीं आपका कहा वो भाभी जी, आप किसी गरीब को क्यों इतनी बद्दुआ दे रही हैं? का है बद्दुआ का? आपका फूफा लगता है वो? हाँ रिश्तेदार है वो। एक तो हमसे 5 लाख लूट लिया वो, तो का उसका आरती उतारेंगे? आपको उसको पकड़ने में हमरा मदद करना चाहिए ना। भाभी जी एक्चुअली मैं तैयार हूँ, आप हुक्म कीजिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो फिर ढूंढिए वो कमीने को और हमारे पैसे निकलवाइए। एक्चुअली भाभी जी कड़वी सच्चाई ये है कि अब आपको आपके पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आइंदा आपको और नुकसान ना पहुंचे इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। हाँ दीजिए, ट्रिप दीजिए। भाभी जी ट्रिप तो मैं लेना चाहता हूं आपके साथ मून में। आका बोले? मैं कहा भाभी जी आप वो टिप्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपको जब कभी फोन किसी का आएगा और वो कहेगा कि मैं आपको फलांड स्कीम दे रहा हूँ, ढिकानी स्कीम दे रहा हूँ, आपको इससे अच्छे रिटर्न मिलेंगे, आपको आप 5 लाख लगाएंगे आपको 25 लाख मिलेंगे, आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा। बोला रहा हूँ कि वो 5 लाख लगाइए उसके बाद आपको एक रात में 50 लाख हो जाएंगे, राइट? दिया आपको कैसे पता? एक्चुअली जब आपको लूटा जा रहा था ना भाभी जी, तो मैं भी उस वक्त लूट रहा था। दिया आपको भी लूट लिए वो लोग? हाँ भाभी जी, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, जब वो लूटता है ना, तो हम ऑटोमेटिकली लूट जाते हैं। बोलते हैं हमरी कछु समझ ना ही आता है। एक तो वैसे हम बहुत तानसेन में और फिर गोल गोल घुमा के बातें कर रहे हैं। भाभी जी अगर सीधी सीधी बात करने लगू ना तो तमंचे निकल आएंगे। चलता हूँ। अब कहा बोले हमरी कछु? अभी जा रहा हूँ मैं। कहा बोले? अरे दिया उसको कीड़े पड़ेंगे सच्ची। देखो देखो डार्लिंग, अरे मेरी पोजीशन का कुछ तो लिहाज करो। आखिर मैं एक पुलिस कमिश्नर हूँ बेबी। देखो देखो ये वाली गाली मत दो मुझे। आई हैव टोल्ड यू मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अरे नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी जवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि एक फ्रॉडियर ने मेरे साथ में फ्रॉड किया है, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा सुनो 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 चुप हो जाओ, एक मिनट सुनो। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अपनी सहेलियों को ये बात मत बताना, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊँगा। हाँ हाँ जैन साहब। जैन? ना ना होते नहीं, हमने बोली जैन। हम कह रहे साहब ऐसू का कांड होगो जोन, मतलब बात बदनामी तक आ गई आपकी। नहीं नहीं कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। नहीं हम अपनू काम ही कर रहे, हमारा जो काम है, अगर हमारा सीनियर परेशान है टेंशन है तो हम बाकी टेंशन दूर करें, हमारा काम है जो। अरे पहले अपनी टेंशन तो दूर करो, बाद में दूसरों की सोचना। अच्छा मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि तुम्हें किसी ने 50,000 रुपए का चूना लगा दिया है। को बोलो जो? नहीं मतलब कौन बदतमीज है जो ने जब बात आपको कही है, कौन वो? ने भी बताई लेकिन मुझे चाय पी दी की लट बकत। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो, अरे अनिता जी है। गोरी मैम हाय। क्या हाय 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 लगा रखी है? ये हाई वाई करने के लिए नौकरी ज्वाइन किए थे क्या? का मतलब? मतलब ये कि हमने कितने टाइम से रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है, आपने कोई कार्रवाई काहे नहीं की? तुम्हारी दिक्कत तो यही है भैया तिवारी, कार्रवाई चल रही है लेकिन तुम्हें ससुर हथेली में सरसों जमाने। आपको सिंह जी हथेली में सरसों जमा के पूरे 24 घंटे हो गए और अब तो सरसों में से किले भी फूट पड़े हैं। आप बताइए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या छानबीन कर रहे हैं, बताइए आप। रिलैक्स मिस्टर तिवारी, रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो जाए सर, कैसे रिलैक्स हो जाए?
हमारी बीवी के अकाउंट से 5 लाख रुपए गए हैं और आप कह रहे रिलैक्स हो जाए, लेकिन हमें तो माफ कीजिएगा आप रिलैक्स लग रहे हैं। How dare you, Mr. Tiwari? कमिश्नर पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो? कमिश्नर साहब, हम लोग कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ना 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 ना, गोरी में मैं तो आप गलत हो, कार्रवाई चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, बल्कि हम आपको बता दें, हमने एक बेहतरीन टीम बनाई है। कौन सी टीम बनाई? क्रिकेट की टीम बनाई है? मिस्टर तिवारी, आप पूरी बात सुनने से पहले लड्डू की तरह गपक लेते हैं। यही सब लड्डू के भैया है। पप्पू सिंह का कहने का मतलब है उन फ्रॉडियों को पकड़ने के लिए हमने एक टीम तैयार कर ली है। लेकिन कमिश्नर साहब, अब तक एक भी फ्रॉडिया पकड़ा तो नहीं गया ना? उन कमीनों और कुत्तों को मैं जल्द से जल्द पकड़ लूंगा, क्योंकि ये मेरी मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। आपकी मान और प्रतिष्ठा? हाँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उन फ्रॉडियों ने पप्पू सिंह के 50,000 और मुझे 5 लाख रुपए का चूना लगाया है। और मुझे 25,000 का। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि प्लीज ये बात इन 4 दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। बाकी कार्रवाई चल रही है। हेलो। हेलो, आप अंगूरी तिवारी बोल रही हैं? हाँ, हम अंगूरी बात कर रहे हैं। आपको फोन 20-25 मिनट में कट जाओगे। हाय दिया, ऐसे कैसे कट जाएगा? अभी तो हम रिचार्ज किए हैं अपने फोन बा को। लेकिन आपको फोन बंद आ रहा है, मतलब कि डिस्कनेक्ट आ रहा है। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट कैसे होगा? वो डिसकनेक्ट हो तो है। ऐसे ही पकड़े हैं, हमारे फोन तो चालू है तभी तो आपसे बात करे ना। मैडम, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा फोन चालू है लेकिन असल में फोन बंद हो तो है, और उस बंद फोन से हम बात भी कर लेते हैं। ऐसा होता है का मतलब हमारा फोन बंद है? बिल्कुल होता है मैडम। तो क्या करे फिर? मैडम एक काम करिए, हम आपको यहाँ से एक मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज जब आपको मिले तो हमें पढ़कर सुनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक बा भैया जी। कछु आया। हाँ हाँ, आपको बताते हैं, रुकिए। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। अब 13420। यस मैडम, 13420। थैंक यू मैडम, अब थोड़ी देर में आपको फोन चालू है जाओगो। थैंक यू, हम तो बहुत घबरा गए थे। अब थोड़ी देर में घबराओगी। क्या बोले? कछु ना। कौरा पगली, ओ मोबाइल कंपनी से हमको कॉल आया रहा, वो का बोले कि भाभी जी आपका फोन जो है वो बंद हो गया है। हाँ। तो हम बोले ना ही, बंद तो ना ही है, हम तो बात कर रहे हैं। हाँ। बोले ना ही, वो ऐसे बंद हो जाता है और पता ना ही चलता है। तो हम बोले कैसे पता चलेगा? तो बोले हम एक ठो मसाज भेज रहे हैं। मैसेज ऐसे ही पकड़े हैं, तो वो हमको भेज दीजिए, हम भेज दिए उनको। का मैसेज था? 13420। दिखो तो। क्या हो गया? अरे वो क्लाइंट अग्रवाल साहब ने अकाउंट में 12 लाख रुपए डाले थे, तुम्हारे बॉटम पने की वजह से फिर से अकाउंट से पैसे कट गए। लेकिन फोन तो चालू हुई बाबा। प्रणाम भाई माँ। हेलो भैया, खुश रही है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बैंक ऑफ शिकारपुर ज्वाइन किया है एज फील्ड मैनेजर, जहाँ आपके सपने होते हैं पूरे। भैया, हमारे बैंक ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जीवन झुरझुरी। अगर आपने इसमें पैसे लगा दिए जीवन झुरझुरी में, तो आपके पास पैसों की झड़ी लग जाएगी और एक्साइटमेंट की वजह से आपके पूरे बदन में झुरझुरी मच जाएगी। झुरझुरी जी, झुरझुरी। I like it. भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी, आइए। अब क्या बताएं भाभी जी? कुछ बताने की जरूरत नहीं है तिवारी जी,
मैंने न्यूज में सब कुछ देख लिया है जी। ये खबर न्यूज में आ गई? तिवारी जी आजकल छीको तो भी न्यूज में आ जाता है, ये तो बड़ी खबर है। पर ये ठीक नहीं हो रहा है, अंगूरी जी बार बार लूट रही हैं। क्या बताएं भाभी जी, उन फ्रॉड लोगों को पता चल चुका है कि अंगूरी के अकाउंट में एक मोटी रकम है। तो आप ये रकम अपने अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर करवा लेते हैं? भाभी जी कैसे ट्रांसफर करा ले बताइए, इतनी बड़ी रकम है, इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर 17 सवाल करेंगे, उनके जवाब दो। हम तो बुरी तरह फंस गए भाभी जी। लेकिन आपको जरूरत क्या थी इतनी बड़ी रकम अंगूरी जी के अकाउंट में जमा करवाने की? भाभी जी माफ कीजिएगा, ये मशवरा भी तो आप ही ने दिया था ना। नहीं एक मिनट, आपके कहने का मतलब क्या है? हाँ मेरी गलती है। नहीं नहीं सब मेरी गलती है, अब सारा दोष मेरे मत्थे मर रहे हैं। तिवारी जी हद है।